आ जाइए सर। सर क्या हाल है? हेलो गाइस, गाइस पेपर अटेम्प्ट किया या नहीं किया? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पेपर अट किया गाइस या ऐसे उठ के आ गए हो? नींद नहीं खुली है अभी? एक मिनट सर। गुड मॉर्निंग, गाइस एक बार जल्दी से बता दीजिए कहां कहां से आप लोग लॉग इन कर रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए कहां कहां से लॉग इन कर रहे हैं। विपिन सर आप एक बार आके देख सकते हैं आप कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ओके गाइस जल्दी से बता दीजिए आप कहां कहां से लॉग इन कर रहे हैं। क्या है क्या है? आप अपना सिटी और स्टेट बता दीजिए। सिटी और स्टेट जल्दी से गाइस। मुंबई, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता। जी से एक्सेलेंट। श्रीनगर, नांदेड़, बहुत सही गाइस। जनकपुरी। भाई जनकपुरी एक स्पेशल सिटी है क्या? जनकपुरी कौन है? यदि आप जनकपुरी में तो विपिन सर से डायरेक्टली जाके पढ़ सकते हैं। बीकानेर, बड़ाई, अनम फातिमा। फातिमा आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सर शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। बहुत बढ़िया। इटावा, जयपुर, रांची, ईस्ट मिदनापुर, आयानकर, एक्सेलेंट। मिदनापुर कहाँ पर है सर? मिदनापुर ईस्ट मिदनापुर वेस्ट बंगाल में हुआ। वेस्ट बंगाल। गोवा, फैजाबाद। फर्श पे पाव रख दीजिए नींद खत्म हो जाएगी। अब तो नींद का टाइम भी खत्म हो गया। अब तो खत्म है सर। एक मिनट में आंसर सीख लूं यहाँ पे। गाइस फर्स्ट का आंसर टू था, सेकंड का आंसर टू था, थर्ड का आंसर थ्री था, फोर्थ का आंसर थ्री था, फाइव का आंसर थ्री। गाइस स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाइए। 13th का आंसर टू था, 14th का आंसर टू था, 15th का आंसर वन, 16th का आंसर टू। सर आप कहां से हो? दिल्ली से। दिल्ली। 17th का आंसर फोर्थ, 18 का आंसर एक, 19 का आंसर दो और 20 का आंसर दो। ठीक है सर, एक मिनट हम आपका स्क्रीनली चेक कर लेता हूँ फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये ठीक है सर, ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक है, फिनिश। तो सर आपको हमने कैमरे से थोड़ा दूर कर दिया, ठीक है? तो मुझे यहीं तक रहना है। हाँ। और ये कैमरा है गाइस। मैं एक चीज क्विकली बोल देता हूँ गाइस। देखिए जैसा सर ने कहा था, सर का यदि आपने वीडियो देखा हो, सर ने उसमें कहा है कि यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं तो जरूरी ये होता है कि जितने भी फॉर्मूले है ना, हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड 5-6 प्रॉब्लम कर ले। ये वाला जो सेशन हो रहा है इसका भी पर्पस ये है कि कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो सर मेरे पास खड़े हैं, राइट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री टीचर इन द कंट्री। तो आप लोग जहां जहां पे बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी की ये पावर है कि आप कहीं पे भी बैठे हुए इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा मन है, मेरी इच्छा है, मेरे में जज्बा है पर मेरे पास साधन नहीं है, ठीक है? वो चीज इस जगह पे खत्म हो जाती है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपके पास साधन अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी ने इनेबल कर दिया है। आप में और दिल्ली में जो स्टूडेंट बैठा है जो सर की क्लास में जाके पढ़ पाता है, ठीक है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। आप एकदम यदि मेहनत करेंगे तो अब आपका भविष्य आपके हाथ में। अब भागना नहीं चाहिए, मेहनत करनी है। 10 दिन बचे हुए हैं, रोज के 15 घंटे पढ़ेंगे, 150 घंटे अभी भी पढ़ सकते हैं। तो आज जब ये 4 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के आप पढ़ेंगे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किया, उसके बाद ये लाइव सेशन होगा, सर आपको वीडियो समझाएंगे, वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन समझाएंगे और उसके बाद अगले 10 घंटे लगा के चारों चैप्टर को खत्म करके साइड में कर दीजिए। हमें 97 चैप्टर का रिविजन करना है, 10 ही दिन बचे। तो मैं आपको वापस कह रहा हूँ, आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं विपिन सर के साथ खड़ा हूँ। आप लोगों का सौभाग्य है। नहीं है सर, और आप लोगों का सौभाग्य पहुंचाया। पर मैं आपको बता रहा हूँ, इन इट इज ऑनर ऑफ दी स्टूडेंट्स कि वो आपसे पढ़ पा रहे हैं। आप जितने आराम से कॉन्सेप्ट, जितने प्रिसाइसली आप कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, दैट इज फिनोमिनल। बच्चों का इस समय पे
इनको आसपास का तामझाम ही चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज प्रिपरेशन करनी है, उसके हिसाब से ये सेशन आपका बहुत यूजफुल रहेगा इनके लिए। ठीक है सर, आप स्टार्ट करिए और मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। हेलो गाइज, स्टार्ट करें, करें स्टार्ट। यहाँ पर देखिए सर, एक सेकंड पूछ लेता हूँ गाइज, बोर्ड सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है, आज कोई इश्यू नहीं है। मैं आज यहाँ पे इनविजिबल बेताल हूं तो मैं दिखाई नहीं दूंगा, पर मेरी आवाज आपको आती रहेगी क्योंकि मैं कैमरा और स्क्रीन के बीच में खड़ा हुआ हूं। सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं, कोई अपना काम खत्म करते हैं, फिर आप पढ़ने में लगिएगा। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पेपर सभी के पास है ना? पेपर सभी के पास है गाइस, ये वाला पेपर सबके पास है, इसको हमने अपलोड कर दिया था इसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, आपके पास इसका पीडीएफ है? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं लेते। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड हैज ए स्ट्रक्चर इन विच डब्ल्यू एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपको पता है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। एजेस का कंट्रीब्यूशन कितना है? एज का कंट्रीब्यूशन है 1/4। एजेस कितनी होती है? 12। बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। तो अब यहां पर W एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो नंबर ऑफ W एटम क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ W एटम्स 1/8 कंट्रीब्यूशन इंटू 8 इज इक्वल टू 1। ये तो आ गए नंबर ऑफ W एटम। अगला है ऑक्सीजन एटम एट द सेंटर ऑफ द एज, नंबर ऑफ ओ एटम्स, ओ एटम्स कितने होंगे? 1/4 कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ एजेज आर 12, दिस इज 3। एंड सोडियम एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सोडियम एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, तो नंबर ऑफ Na एटम इज इक्वल टू 1, क्योंकि बॉडी में कंट्रीब्यूशन कितने का होता है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फुल एटम। तो ये चार जगह होती है बेसिकली किसी भी क्यूब में भरने की, कॉर्नर्स होते हैं, एजेज होती है, फेस होता है एंड बॉडी होती है। बॉडी में हमेशा ध्यान रखना है कंट्रीब्यूशन, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, पूरा फुल है। एजेस पर 1/4, फेस पर 1/2 एंड कॉर्नर पे 1/8। तो यहां पर हेंस द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एज, हेंस फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एज Na 1 हो गया, W 1 हो गया, O 3 हो गया, Na W O 3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगला है, ये सबको क्लियर है? अगला है सेकंड, सेकंड का आंसर है 2। तो पहला वाले का हो गया 2 आंसर, Na2O3। सेकंड में कह रहा है कि एन एलिमेंट एटॉमिक मास 100 ग्राम पर मोल हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। ये ध्यान रखना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं? 1। एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं? 4। ये तो सबको पता है। अब यहां पर देखो, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इस क्वेश्चन से हटके बताता हूं कि बेसिकली क्या होता है कि जब आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में जेड की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड होता, सोडियम क्लोराइड के केस में जेड क्या रखते हैं और ए क्या रखते हैं? जो इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है जेड इंटू ए अपॉन वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये होता है बेसिकली, ये जेड और ए को रखना सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी में आपकी गड़बड़ होती है। गड़बड़ कैसे होती है कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, सपोज करो सोडियम क्लोराइड के केस में NaCl का फॉर्मूला वेट रखोगे, NaCl का फॉर्मूला वेट क्या होता है? 58.5, Na का 23, Cl का 35.5, तो इसका होता है 58.5।
अब हमें जेड को क्या रखना है, जेड बेसिकली होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। अब आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर नोन होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको नोन है, क्लोराइड आयन कहां कहां पर होते हैं, क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एंड फेसेज। अब फटाफट काउंटिंग कर लो, कॉर्नर एंड फेसेज बोलते ही 1/8 कॉर्नर का हो गया इंटू 8 1 हो गया, फेस का कितना हो गया 1/2 × 6 3 हो गया, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। 4 आर द क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन आर प्रेजेंट इन एजेज एंड बॉडी, एजेज एंड बॉडी। एजेज कितने हैं 12, 1/4 × 12 3, और बॉडी में मैंने बताया पूरा कंट्रीब्यूशन एक ही रहेगा, तो टोटल 4 सोडियम आयन हो गए। तो आप इसमें कितनी फॉर्मूला यूनिट हो गई सोडियम क्लोराइड की पर यूनिट सेल, तो टोटल नंबर हो गया 4, 4Na+, 4Cl- मिलके 4NaCl की फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहां पर Z की वैल्यू 4 और ये 58.5। जो एक मिस्टेक होती है, एक मिस्टेक में बताता हूं, 3 बार क्वेश्चन आया AIPMT के अंदर। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको पता है, BCC होता है, सबको पता है सीजियम क्लोराइड का BCC होता है। BCC पढ़ते ही देखते ही तुरंत जेड तुम लोग 2 लगा देते हो, एंड दिस इज द रॉन्ग थिंग, ये गलत हो जाता है। सीजियम क्लोराइड का BCC है, यहां पर जेड 2 नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, अब इसका रीजन है। इसका आप स्ट्रक्चर जरा देखिए, स्ट्रक्चर क्या था, 1/8 क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, सो टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इज 1, एंड 1 सीजियम आयन इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द क्यूब। तो एक सीजियम एक क्लोराइड मिलके एक ही तो फॉर्मूला यूनिट बनेगी सीजियम क्लोराइड की, और एक फॉर्मूला यूनिट बनेगी, तो यहां पर जेड कितना लगेगा 1 लगेगा, जेड इज 1 नॉट 2, और ए लगेगा फॉर्मूला वेट ऑफ सीजियम क्लोराइड जो अप्रोक्स 160 होता है, अप्रोक्स 160 होता है, तो 160 आपने लगाया फॉर्मूला वेट ऑफ सीजियम क्लोराइड, और जेड की वैल्यू लगाई 1 फॉर सीजियम क्लोराइड। याद रख लेना, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए, सीजियम क्लोराइड सीजियम ब्रोमाइड कोई सा भी क्वेश्चन आए, जेड को आपको 1 लगाना, 3 बार ऑलरेडी आ चुका है कभी। और इसमें क्या होता है, जितना भी गलत तुम कर सकते हो वो सारे अल्टरनेट में आए, जितना भी गलत कर सकते हो, जैसे कि तुमने 2 रख के करा वो पहला अल्टरनेट रखा हो, 2 × 2 करके पहला अल्टरनेट, और सीजियम क्लोराइड के केस में लगना था 1 और वो आपका 3rd या 4th अल्टरनेट हो, तो वहां पर एकदम क्या आता है ना कि हमने तो सही कर दिया, वहां से निकले एग्जाम से कि हम तो बहुत चौड़े होकर निकल रहे हैं कि ये तो हम सही करके आए, लेकिन वहां तो गलत हो गया। तो ये याद रख लेना, सीजियम क्लोराइड में जेड 1 लगाएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सीजियम क्लोराइड सीजियम ब्रोमाइड सीजियम आयोडाइड किसी भी टाइप का सीजियम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जेड इज 1। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है क्योंकि ये एटम पर बेस है, एटम के केस में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बीसीसी कह दिया 2, एफसीसी कह दिया 4 और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह दिया 1। तो यहां पर जेड की वैल्यू हम बीसीसी स्ट्रक्चर है 2 लगाएंगे, ए हमें दे रखा है 100 है, नीचे आते हैं 400 पिकोमीटर है, 400 पिकोमीटर या एल क्यूब होता है वॉल्यूम, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अगर निकल के आएगा तो सेंटीमीटर, फिर बाद में यूनिट में कन्वर्जन करो। अब 400 पिकोमीटर का सेंटीमीटर में क्या होगा, 400 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर या 4 × 10⁻¹⁸, तो 4 × 10⁻¹⁸ का क्यूब, और अब अगर दो नंबर रफली 6 × 10⁻²³ लगाओ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है 6.08, वहां इतना टाइम नहीं है आपके पास कि पूरा कैलकुलेट करते रहे, फटाफट आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो इसको जब कैलकुलेट करके लेके आओगे तो इट बिकम्स 5.2 ग्राम पर सीसी। तो इसके क्वेश्चन होते बहुत इजी है, बस सीजियम क्लोराइड वाला केस आपको ध्यान रखना होता है, वहां जेड 1 और यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। यूनिट देखो क्या क्या आती है, डेंसिटी की यूनिट ये तो ग्राम पर सीसी है, कभी कभी डेंसिटी गिवन ही होती है किलोग्राम पर मीटर, तो कन्वर्ट इट इंटू ग्राम पर सीसी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट इट इंटू ग्राम पर सीसी 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर आप करेंगे 1000 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और नीचे मीटर क्यूब है उसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो अल्टीमेटली 10 की पावर 3 ऊपर है, 10 की पावर 6 नीचे है, तो 10 की पावर 3 से आप डिवाइड करेंगे किलोग्राम मीटर क्यूब को सेंटीमीटर ग्राम पर सीसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो यूनिट जो है वो आप बहुत प्रॉपरली रखेंगे, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, जेड की वैल्यू को सही से रखिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पर बेस। बेसिकली बेटा क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर में एक चार्ट हमें याद करना होता है, एक चार्ट को याद करना है, और रेडियस रेशो का आपने चार्ट पढ़ा होगा, आर प्लस अपॉन आर माइनस का, इससे हमें आइडिया होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आर प्लस अपॉन आर माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कि कितने एनायन उसको सराउंड करे हुए, कितने एनायन उसको सराउंड करे हुए हैं। तो हम यहां पर देखते हैं आर प्लस अपॉन आर माइनस, यहां मैं कुछ चीजें आपको और बता रहा हूं कि आर प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू अगर ज्यादा है क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आर प्लस का साइज बड़ा होगा और ये छोटा होगा, या ये मतलब बड़ा होने का मतलब क्या होगा कि ये या तो बहुत बड़ा होगा या ये बहुत छोटा होगा, या दोनों काम हो सकते हैं। किसी भी केस में कैटायन का साइज अगर बड़ा है और एनायन छोटे हैं तो छोटे छोटे का नंबर ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एनायन का नंबर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, और कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है। और अगर ये कम है, अगर ये कम है तो क्या हुआ इसका मतलब, या तो ये छोटा या ये बड़ा या दोनों काम हो सकते हैं। अगर कैटायन छोटा है तो उसके चारों तरफ एनायन का नंबर कम हो जाएगा एंड कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज। बेसिकली ये पूरा एक चार्ट दिया गया और उसमें रेंज के हिसाब से आर प्लस अपॉन आर माइनस के हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन को जज करते हैं। तो ये वैल्यू अगर 0.414 से 0.732 के बीच में आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सपेक्टेड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं एजी प्लस और आयोडाइड आयन, तो आर प्लस अपॉन आर माइनस, एजी प्लस का मैंने रख दिया 126 अपॉन 216, तो ये अप्रोक्स 0.53 के आसपास आता है। और ये किस रेंज में आ गया, 0.414 से 0.732 की रेंज में आ गया, हैज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इससे अप्रोक्स आइडिया मिलता है कि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब देखो मैं एक चीज दूसरी बताने जा रहा हूं, ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई, आपने पूरा रेडियस रेशो का एक चार्ट रटा हुआ है उसके हिसाब से आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, आर प्लस अपॉन आर माइनस, ये रेंज है 0.414 से 0.732, ये मुझे गिवन है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना रहा है, क्या एनएसीएल टाइप का स्ट्रक्चर है, एनएसीएल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब ये 0.414 से 0.732 है और मुझे एनायन का रेडियस गिवन मान लो, और क्वेश्चन ये आ गया कि मैक्सिमम रेडियस का कैटायन इसमें कौन सा फिट हो सकता है, मैक्सिमम रेडियस का कैटायन कौन सा इसमें फिट हो सकता है। तो आप देखिए दिस इज द रेंज और मुझे इसको मैक्सिमम लाना है, तो मैं इसको बराबर किसके कर दूंगा, 0.732 के कर दूंगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं आर पॉजिटिव मैक्स आर माइनस गिवन है इजिकल टू सीधे रख दोगे 0.732 और ये आपका आंसर हो जाएगा। और मान लो तुम्हें इसमें मिनिमम रेडियस का कैटायन बताना है, सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म करने के लिए मिनिमम रेडियस का कैटायन आपको बताना है, तो मिनिमम रेडियस के लिए आप क्या करेंगे, इसको अगर मिनिमम लाना है तो मैं क्या रखूंगा, रेंज का सबसे लोएस्ट पार्ट रखूंगा, यानी ये हो जाएगा आर प्लस मिनिमम अपॉन आर माइनस इजिकल टू 0.414। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर तुमसे इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया और ये गिवन है, तो मान लो इसका मिनिमम पूछा गया तो इसमें हाईएस्ट वाला रखना है, और अगर इसका मैक्सिमम पूछा गया तो इसका कौन सा पार्ट रखना है, लोएस्ट वाला, उल्टा कर देना है, आर प्लस मैक्सिमम पूछा गया तो ये मैक्सिमम वाला, यहां आर माइनस मैक्सिमम पूछा गया तो सबसे लोएस्ट वाला, ये अगर आपसे
मिनिमम पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा हाईएस्ट वाला, तो इस चीज का इसमें ध्यान रखो। पूरा चार्ट आपको एनसीईआरटी में गिवन है, रेडियस रेशो का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन का हमें आइडिया होता है। सर क्वेश्चन पूछा है लड़का कि यदि कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिया तो कौन सी वैल्यू लेनी है, वो तो दिया हुआ होगा तो वो गिवन होगा, वो गिवन होगा। अगर मैक्सिमम मिनिमम नहीं दे रखा है तो वो गिवन होगा, वो फिर क्या होगा ना रेंज के बीच में 0.414 से 0.732 के बीच में जो भी आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बीच में जैसे कि आया ना 0.53 आ गया था पहले वाले में, तो आंसर इज 6, क्योंकि इसके बीच में लाई कर रहा है तो आंसर इज 6। यहां से लेकर यहां तक सब में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा। अब इसमें फोर्थ वाला है, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल इज जनरली ड्यू टू, बेसिकली ये जो कहीं कलर का मेन रीजन होता है एफ सेंटर डिफेक्ट। कोई भी कलर का रीजन है एफ सेंटर डिफेक्ट। जैसे तुमने देखा होगा कि सॉल्ट है, सॉल्ट व्हाइट कलर का होता है लेकिन कभी कभी येलो अपीयरेंस देता है। आप इसको धूप में रखो, कभी तुम देखते हो गए कि कभी जैसे धूप में रखा हुआ है तो धूप में रखा हुआ है तो नमक जो होता है, सॉल्ट जो होता है वो पीला सा दिखना शुरू हो जाता है, येलो अपीयरेंस देना शुरू कर देता है। तो बेसिकली वहां पर हो क्या रहा हो उसकी एक मैकेनिज्म मैं तुम्हें बताता हूं। ये एक पार्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, और इसका पार्ट देखते हैं। और ये जनरली होता है एफ सेंटर डिफेक्ट की वजह से। शॉटकी डिफेक्ट एक अलग टाइप का है, उससे कलर का कोई लेना देना नहीं, वहां पर कैटायन और एनायन की मिसिंग होती है, इक्वल नंबर के कैटायन इक्वल नंबर के एनायन मिस्ड होते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में एक लेडी साइड को छोड़कर इंटरस्टीशियल स्पेसेस में चले जाते हैं, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट में इंप्योरिटी एटम्स आ जाते हैं बीच बीच में। एफ सेंटर डिफेक्ट को जरा हम समझते हैं, बेसिकली है क्या, सोडियम क्लोराइड है मेरे पास, सोडियम क्लोराइड को सोडियम मेटल वेपर में हीट कर, देन इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ येलो कलर। होता क्या है कि Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, क्योंकि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे रेगुलर मैनर में आयंस अरेंज होंगे, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। मान लो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का ले लिया, इसे सोडियम मेटल वेपर में हीट करा, सोडियम मेटल वेपर में हीट करेंगे तो जो इसकी सरफेस पे सोडियम होंगे, सोडियम है लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। होगा क्या कि लेटिस साइड का क्लोराइड आयन डिफ्यूज आउट हो जाए, ये बाहर निकल गया, बाहर निकल के इसने बना दिया NaCl, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ लेटिस, है ना, सरफेस पे NaCl बन गया एंड दिस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द एनायन वैकेंसी और इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें। अब आप देखिए क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा थी और जब ये इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई करी एनायन वैकेंसी को तो यहां से एनर्जी लूज करता हुआ है, यहां पर डिफरेंस क्या आया, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है, एनर्जी लूज करता हुआ आया एंड इट गिव्स कलर। यही एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है हमें, कलर की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन की जो ट्रैपिंग हुई विद एनायन वैकेंसी इसी को नाम देते हैं एफ सेंटर, दिस इज नोन एज एफ सेंटर एंड इट गिव्स येलो कलर, एंड इट गिव्स येलो कलर। और ओवरऑल अगर हम देखें तो दिस इज ए पार्ट ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट सॉरी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मैं गलत बोल रहा हूं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इसमें क्लोराइड आयन आप देखें कम हो गया नहीं हो गया, दिस इज ए पार्ट ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और यहां पर क्लोराइड आयन ऊपर चला गया। अगर हम इसका पूरी स्टीचियोमेट्री देखें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन है, प्लस माइनस चार्ज बराबर है,
इस प्लस से ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन सोडियम के रेस्पेक्ट में क्लोराइड आयन कम हो गया नहीं हो गया, इसलिए दिस इज द पार्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड डिफेक्ट और एनायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, और एनायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। और ये एफ सेंटर फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी स्टेट में आया, अपनी एनर्जी को लूज करता हुआ आ रहा है, इसलिए इट गिव्स कलर। और इसमें तीन पॉइंट दिमाग में रखिए कि सोडियम क्लोराइड अगर सोडियम मेटल वेपर में हीट कराया जाता है देन इट गिव्स येलो कलर, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम मेटल वेपर में हीट करते हैं देन इट गिव्स वायलेट कलर, और इन द सेम वे लिथियम क्लोराइड को लिथियम मेटल वेपर में हीट करते हैं देन इट गिव्स पिंक कलर। तीन कलर ध्यान रखने हैं, सोडियम क्लोराइड इन सोडियम मेटल वेपर येलो, पोटेशियम क्लोराइड इन पोटेशियम मेटल वेपर वायलेट, एंड लिथियम क्लोराइड इन लिथियम मेटल वेपर पिंक कलर। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एफ सेंटर की वजह से होता है। अगला वाला आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। एक्चुअल में ना मैंने इन क्वेश्चंस में हर टाइप की चीज को इन्वॉल्व कर लिया, और ये दोनों डिफेक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट होते हैं स्टीचोमेटिक, और वो जनरली आप लोगों को पता ही होते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, एक आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली ये दो कंपाउंड में मिलता है, जैसे कि FeO एंड NiO, ये दो कंपाउंड है देखिए ये दो कंपाउंड हैं FeO एंड NiO, ये अगर परफेक्ट कंपाउंड होते तो ये इसी फॉर्मूले में मिलते FeO एंड NiO के, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस होती है Fe के एटम कम हो जाते हैं 0.93 से 0.980, इन द सेम वे निकल के भी एटम कम हो जाते हैं 0.93 से 0.980। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में आयरन कम हो गया, 1:1 होना चाहिए था, इसी तरीके से ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकिल कम हो गया, जबकि 1:1 होना चाहिए। अब ऐसा हुआ क्यों, ये भी तो है क्वेश्चन कि ऐसा हुआ क्यों होगा, इसको समझने की जरूरत है। इन दोनों केसेस में होता क्या है कि Fe plus 2 जो होता है, सम Fe plus 2 इज कन्वर्टेड इनटू Fe plus 3, इन द सेम वे Ni plus 2 इज कन्वर्टेड इनटू निकेल plus 3। चार्ज कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, चाहे कोई सा भी डिफेक्ट आ जाए, चार्ज की न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। एटम का नंबर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन चार्ज कभी भी न्यूट्रलिटी अनमेंटेन नहीं हो सकती। इस कन्वर्जन में अगर हम देखें तो 3 2 6 6 पॉजिटिव चार्ज है, 2 3 6 6 पॉजिटिव चार्ज, दोनों तरफ चार्ज इज सेम, इन द सेम वे 6 एंड 6 चार्ज इज सेम, लेकिन इस कन्वर्जन में एक काम हो रहा है, आयरन एटम या निकेल एटम का नंबर कम हो जा रहा है, आयरन या निकेल का नंबर कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है, यहां पर देखिए 3 की कॉस्ट पर 2 ही तो बन रहा है, 1 आयरन एटम डिक्रीज, 3 की कॉस्ट पर 2 ही तो बन रहा है, 1 निकेल एटम डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल अब आपकी समझ में यह आना चाहिए कि अगर मान लो मुझे 1 आयरन एटम को कम करना, तो मुझे 3 Fe plus 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 Fe plus 3 में। इज इट क्लियर? अगर मुझे 6 कम करना है, मान लो मुझे 6 कम करना है, तो 6 कम करने के लिए मुझे क्या करना, वो सॉरी 2 मुझे कम करना है, तो मुझे क्या करना होगा कि 6 Fe plus 2 को 4 Fe plus 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे कितने कम करने हैं, 2, 1 कम करना है 3 को कन्वर्ट करो, 2 कम करना है 6 को कन्वर्ट करो, 3 कम करने हैं तो कितने को कन्वर्ट करोगे, 9 को, 4 कम करने हैं तो कितने को कन्वर्ट करोगे, 12 को, 5 कम करने हैं तो कितने को कन्वर्ट करोगे, 15 को। अब हम जरा क्वेश्चन पे आते हैं,
मुझे दे रखा है कि निकेल 0.98 वो चाहिए मुझे, और इसमें पूछा गया कि कितनी एनआई प्लस थ्री की परसेंटेज होगी। तो आप देखें जो परफेक्ट क्रिस्टल होता, सोचते हैं 100 एनआई प्लस टू और 100 ऑक्साइड आयन होते, परफेक्ट की बात कर रहा हूं, परफेक्ट ये होता। मुझे अब इसका नंबर 98 चाहिए और इसका 100 ही छोड़ना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब मुझे इसको 98 चाहिए और इसको मुझे 100 ही छोड़ना है। तो मुझे बेसिकली कितने निकल को कम करना है, 100 से 98 दो को कम करना है, नहीं करना है, दो को कम करना है। तो इसका मतलब मुझे 6Ni प्लस को 4Ni प्लस 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6Ni प्लस को प्लस 2 को 4Ni प्लस 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से मेरा नंबर कितना कम हो गया, 6 कम हो गया, 6 कम हो गया, तो मेरे पास बचा 4Ni 2 प्लस, और कितने Ni प्लस 3 बन गए, 4Ni प्लस 3 बन गए। नाउ दिस नंबर इज 98। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिल्कुल मेंटेन रहेगी, जो कि 100 ऑक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज करेगी। ये पूरा चार्ज 200 पॉजिटिव चार्ज होगा और 200 नेगेटिव चार्ज, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब सिंपल सी बात, आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर मुझे एक नंबर कम करना है तो 3 को कन्वर्जन करना है, दो नंबर कम करना है तो 6 को कन्वर्ट करना है। यहां मैंने 6 को कन्वर्ट कर दिया, तो 6 कन्वर्ट करा तो ये 94 आ गया, और बन भी तो गए ना 4Ni प्लस 3, 4Ni प्लस 3 फॉर्म भी हो गए, 100 ऑक्साइड से न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब जरा इसको देखते, यानी ये पूरा 98 आ गया निकेल X प्लस, और ये पूरा 100 ऑक्साइड आयन आ गया। आपसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ Ni प्लस 3, परसेंटेज ऑफ Ni प्लस 3, तो परसेंटेज ऑफ Ni प्लस 3 क्या हो जाएगा, अब फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा, 4 अपॉन 98 इंटू 100, अप्रोक्स कितने परसेंट हो गया, 4.1% आएगा अप्रोक्स। इसमें अल्टरनेट आपका है 4% के अप्रोक्स, तो ये आपका कन्वर्जन। तो सिंपल सा ध्यान रखो कि कितने को मुझे कन्वर्ट करना है, कितने मुझे आयरन एटम या निकेल एटम को कम करना है, जिस हिसाब से कम करना है, एक को कम करना है, 3 को कन्वर्ट करो, 2 को कम करना है, 6 को कन्वर्ट करो। यहां मुझे 100 के 98 चाहिए, 2 को कम करना है तो मैंने 6 को कन्वर्ट कर दिया और 4Ni प्लस 3 बन गए। परसेंटेज ऑफ Ni प्लस 3, 4 ये आ गए और टोटल 98 है इनटू 100, दैट इज 4%। ये मेथड जबरदस्त है सर। हां, इस तरीके से मतलब ये फटाफट हो जाए, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड दिस इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इसमें देखो ना, मेटल का नंबर कम हो गया विद रिस्पेक्ट टू Ni, मेटल का नंबर कम हो गया विद रिस्पेक्ट टू Ni, तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कुछ नहीं, बस ये देख लो कि कितना कम करना है, उस हिसाब से कन्वर्ट करो। इज इट क्लियर बालू? एक बार बाद में वापस जाके देख लीजिएगा। देखो कुछ बच्चों को समझ आया, हो सकता है कुछ को बिल्कुल क्लियर ना हुआ, एक बार जाके वीडियो वापस देख लीजिएगा। हम बहुत ज्यादा रिवाइज करेंगे ना तो फिर छूट जाएगा, ठीक है, फिर सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। बस करण जॉर्डन, आपको यहाँ पे किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, यू कैन गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, वी वोंट मिस यू, ठीक है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो है, देखिए जो पांचों क्वेश्चन थे सॉलिड स्टेट के, सॉलिड स्टेट का पार्ट आपका ये हो गया। अगला अभी एक आध क्वेश्चन और आएगा आगे सॉलिड स्टेट का, तब डिस्कस करेंगे। आगे मैंने 5 क्वेश्चन सारे मिक्स करके डाले है ना, सारे चैप्टर्स के। अब ये पहले तो अलग अलग चैप्टर के हैं। अब कौन से क्वेश्चन पे सर? अब मैं 6 नंबर के क्वेश्चन। अच्छा, नंबर के क्वेश्चन पे है और ये क्वेश्चन सोल्यूशन का। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 फिनिश हो गए। The relationship between osmotic pressure, देखो बेसिकली क्या है ना कि ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक हम लोग मोलरिटी पढ़ते हैं। और इसका देखो बेसिक फंडा अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मोलरिटी अभी तक तुमने ये पढ़ी है कि W by M
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इज इट? यही तो पढ़ा है, समाकल चेंज कर। इसमें मोलरिटी जो होगी, मोलरिटी बेसिकली होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये मोलरिटी नहीं देखनी। अब तुम्हें बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये मोलरिटी नहीं देखनी, इसका क्या मतलब है? मोलरिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऊपर चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेट की टर्म में नहीं देखे जाते। मोल्स को लिखने के मैंने तरीके तुम्हें बताए थे, तीन तरीके थे, जो यहां पर एक तरीका तो नहीं चलेगा क्योंकि गैस नहीं है, दिस इज द सॉल्यूशन। दो तरीके चलेंगे, एक चलता है वेट की टर्म में और एक चलता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वेट, ये मोलरिटी जो निकाली गई है, कहीं भी अगर मोलरिटी गिवन होती है तो वो आप अंडरस्टूड है कि वेट की टर्म में गिवन है, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलरिटी चलती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उसी हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। अब देखो, यही मोलरिटी चेंज करो, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं मोल्स ही रख रहा हूं, मतलब मोलरिटी के यूनिट वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर ऊपर चला गया, देखिए ऊपर चला गया, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन ए। इसको एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर चला गया तो मैं नीचे कर देता हूं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब सही है? हाँ सर अब सही है। अपॉन एन ए करना है। ये मैंने बेसिकली क्या रखा, नंबर ऑफ मोल्स ही रखे, कुछ और नहीं करा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो होता क्या है, एक एग्जांपल मैं पहले समझाता हूं, फिर तुम्हें कभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक लीटर पानी ले लिया और इसमें मैंने डाल दिया वन मोल NaCl। वन मोल NaCl का मतलब 58.5 ग्राम NaCl इसमें डिजॉल्व कर, सही है? ये जो था एक मोल था, एक लीटर पानी है, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी वन लीटर ही रहेगा क्योंकि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वो करीब करीब सेम है। तो बेसिकली ये मोलरिटी 1m हो गई, बेसिकली ये मोलरिटी 1m हो गई, एक मोल को एक लीटर सॉल्यूशन में आ गया, एक लीटर वाटर एक लीटर सॉल्यूशन ही है, तो ये मोलरिटी 1m हो गई इस टर्म। अब मैं इसको देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बता, बेसिकली जब मैंने 1 मोल NaCl डाला था तो मैंने एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स को इसके अंदर डिजॉल्व करा, क्लियर? एक मोल NaCl का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर NaCl फॉर्मूला यूनिट को इसके अंदर डाल दिया। एवोगैड्रो नंबर के बराबर डाला तो फिर से मोलरिटी 1m आ गई, लेकिन हुआ क्या, मैंने ये डाला था Na की टर्म में, जैसे ही मैंने पानी के अंदर डाला तो इट ब्रेक्स इनटू टू और टू में कैसे ब्रेक हो गया, Na प्लस एंड Cl माइनस। Na प्लस Cl माइनस में जब ब्रेक हुआ तो इसने दे दिए 2 इंटू Na नंबर के पार्टिकल, और 2 इंटू Na नंबर के पार्टिकल अगर कर देंगे अपॉन Na तो मोलरिटी बिकम्स 2m हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये 1m मोलरिटी है विद रिस्पेक्ट टू मास, ये 2m मोलरिटी है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, क्योंकि NaCl पानी के अंदर जाकर 2 में ब्रेक हो गया, यानी 2 इंटू Na नंबर के पार्टिकल हो गए, और जब मैंने इस वाले फॉर्मूले में रखा 2 इंटू Na, Na, Na कैंसिल हो गया, मोलरिटी बिकम्स 2 और यहां पर 1m ही रहेगी। तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी को नाम क्या देते हैं, देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं आई से, आई इज द वांडा फैक्टर, आई इज द वांडा फैक्टर, और वांडा फैक्टर से मल्टीप्लाई इसीलिए करा जाता है कि इस मोलरिटी को वांडा फैक्टर यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गई, 2m। तो वांडा फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन की वजह यही होती है कि हमें यहां पर जो मोलरिटी देखनी है, इफेक्टिव मोलरिटी इसको नाम देते हैं,
इफेक्टिव मोनार्की विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा दिमाग में रखने हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से होगा क्या, जितनी ज्यादा इफेक्टिव मोनार्की उतनी ज्यादा दो चीजें ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उतनी कम दो चीजें वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। अब मुझे दे रखा है क्या कि 10 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, 10 ग्राम यूरिया दे रखा है एंड 10 ग्राम सुक्रोज दे रखा है। सुक्रोज का मॉलिकुलर मास कितना होता है बोलो, 342, यूरिया 60, ग्लूकोज 180। अब मुझे इसके ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए या किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हैं और कुछ नहीं देखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने के लिए ग्राम से तो पार्टिकल आएंगे, पार्टिकल तो आएंगे मोल्स है, और मोल्स के बाद, मोल्स निकालने के बाद हमें यह देखना होगा कि वो कितने पार्टिकल में टूट रहा है पानी के अंदर जाकर, एक्वा सॉल्यूशन में जाकर कितने पार्टिकल दे रहा है, वो वोंटा फैक्टर होगा, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो है ना। तो पहले हम मोलरिटी इसी फॉर्म में निकालते हैं और उसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल अगर हम इसको फॉर्म को कर दे कि मोलरिटी ऐसे ही निकालो प्लस मल्टीप्लाई कर दो किससे, वांडा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आप देखिए ये जो 10 ग्राम ग्लूकोज है इसको मोल्स बनाते हैं, 10/180 होगा नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सबके लिए क्या है, 250 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज सेम, उसे मैं छोड़ दे रहा हूं। यहां पर जो होगा वो 10/60 होगा, यहां पर जो होगा 10/342 होगा, और इत्तेफाक से ये तीनों ऐसे एग्जाम्पल लिए गए हैं जो डिसोशिएट नहीं हो रहा, जो डिसोशिएट नहीं हो रहे। तो अब सिंपल है, (1:1:1:1:1) अब सबसे ज्यादा मोल्स या मोलरिटी किसकी आ गई, यूरिया की आ गई, नहीं आ गई, ये था इसका P1 था, इसका P2 था, इसका P3 था, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, P2 हो गया, P2 के बाद कौन सा हो गया, P1 हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, P3 हो गया, दिस इज द आंसर। सारी कॉरिलेटिव प्रॉपर्टीज में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही देखने हैं, जितने ज्यादा पार्टिकल, जो सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे हो जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर 6 वाले का 3 हो गया। 7th जो क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग मिस्टेक करते हैं। ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस क्या है, गाइस कैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है? कुंदन 2 मिनट के लिए गेट पर, गाइस समझ में आ रहा है?
या सब कुछ पर्थ का पिच बाउंसर 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 गाइस प्लीज फोकस करो। आप जैसे सर ने बहुत सिंपल से तरीके से बताया ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या करना है, ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट चिपका के रख लो और इनको है ना कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहना, ठीक है। तो प्लीज फोकस करो बोर्ड पे, हर सवाल का इस समय ये क्या होता है वो क्या होता है उस हिसाब से नहीं सोच रहे, सर अपने एक्सपीरियंस से कुछ स्पेसिफिक चीजें बता रहे हैं तो उस पर फोकस रखिए, आपके दो घंटे में ये वाले चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और उसके अलावा कुछ चीजें नहीं समझ आ रही एक बार वीडियो को वापस देख लीजिएगा, पर कोशिश ये करिएगा कि अभी लाइव सेशन के बाद इन चार चैप्टर पे अटैक कर दीजिएगा, इनको फिनिश कर लीजिएगा जाके आज ही, फिर कल हम लोग कल यहाँ पे विवेक पांडे होंगे तो उसमें और तीन चार चैप्टर जो 11th के बचे हुए फिजिक्स के चैप्टर है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो इस तरह से हम चलते रहेंगे, होपफुली यहाँ पर रिविजन हम लोग के साथ में हो जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी क्लास में 122 लोग की क्लास में आप बैठे हुए हैं, 80 टाउन से लोग हैं, तो फिनोमिनल है, आप आराम से पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं बुला लेता हूँ विपिन सर को, ये जो सर कर रहे हैं बहुत टायरिंग होता है तो अभी बुला लेता हूँ, ठीक है। डिप्रेस मत हो परवेश, आराम से, डिप्रेस होने का कोई मतलब नहीं है गाइस, जितना कर रहे हो मेहनत करो, मेहनत आपके हाथ में, यदि आपको फिजिक्स थोड़ी बहुत नहीं समझ आई है परेशान मत हो, आप परेशान होगे जो चीज समझ आई है वो भी धीमे धीमे भूल जाओगे, तो आराम से शांति रखो एग्जाम के टाइम पे, कंपोजर मेंटेन करना, शांति मेंटेन करना, टेंशन में नहीं आना, डिप्रेस नहीं होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ गाइस, मुझे बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि सर क्या करें आज का दिन खराब हो गया क्योंकि कोई चैप्टर पढ़ना चालू किया और सब कुछ भूल चुका था, इस तरह से नहीं करना। जब आपको मुश्किल लगे ना कुछ भी, जो आपको सबसे आसान चैप्टर लगता है उसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, आपका है ना बॉडी में कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, दिमाग के अंदर है ना चीजें वापस वर्कआउट होना चालू होगी। तो जब भी डिप्रेशन हो तो जो आपको आसान चैप्टर लगता है, आपको बायो का कुछ आसान लगता है, कोई फिजिक्स का आसान लगता है, कोई केमिस्ट्री का आसान लगता है, उसको एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाती है। आधी टेंशन इस चीज से आती है कि प्रेशर की वजह से आपने मुश्किल चैप्टर पढ़ना चालू किया, रोटेशन मोशन पहले दो क्वेश्चन किए पहले हो जाते थे अभी नहीं हो रहे, टेंशन में आ गए, कुछ नहीं करना, जो आसान लगता है उस वाले चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए एक डेढ़ घंटा और वापस मुश्किल वाले पे आ जाइए, देखेंगे आप चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। दीपक कुमार यार मैंने जवाब दे दिया, अब यदि आपको टेंशन में रहना है, हे भगवान मेरे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुझे नीट की क्यों तैयारी करा रहे, तो कुछ नहीं कर सकते, पर यदि आप कंटिन्यूअसली तैयारी करना चाहते हैं टेंशन में आ रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तरीका जो मैंने देखा है अपने साथ, जो चीज आसान लगती है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद है ना दिमाग वापस चलने लगेगा, ठीक है। बहुत जरूरी होता है सर, होता क्या है गंदा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं मुश्किल सा और फिर टेंशन आती है, पहला क्वेश्चन क्या नहीं हुआ, दूसरा क्या नहीं हुआ, तो उस समय कोई आसान सा चैप्टर पढ़ ले, हाँ बस वही चाहिए, हाँ, बस इन्हें तो हाँ, अब वहाँ हलू आना नहीं है, हाँ, वहाँ तो हाँ, टेढ़ा मेढ़ा आएगा बेटा, करोगे क्या, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा ना तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ये समझ लो वहाँ चार ऑप्शन जो बनाए जाते हैं ना बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं और तुम्हें बेवकूफ बनाया जाता है चारों ऑप्शन में, तुम्हें सब कुछ सही नजर आएगा और वहां पर जब तक तुम्हारा बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आएगी तब तक 100% वो सही नहीं होगा। अब देखिए ए कंटेंट 2% सातवें नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, सातवें नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कराता हूं पहले जिससे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मान लो एसपीएम लगी हुई है ये एक सॉल्यूशन में और इधर मैंने ले लिया 0.1 mm। सर एसपीएम बता दीजिए क्या होती है बच्चों को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इसकी करेक्टरिस्टिक अभी मैं बताऊंगा, वही अभी हिडन है अभी बताऊंगा मैं इसकी करेक्टरिस्टिक तब तुम्हें समझ में आएगा। ये इधर मैंने ले लिया 0.2 mm बेरियम क्लोराइड
सॉल्यूशन। ये ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर है, इसको सेपरेट करा हुआ है एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ऑस्मोसिस तुम्हें पता होगी, एक चीज बहुत अच्छे से समझो, आपसे क्वेश्चन ये आता है कि किस कंपार्टमेंट में बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बने, व्हाट इज द आंसर, बोलो। क्योंकि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जितनी अभी तक तुम्हें नॉलेज है उसके हिसाब से बोलो कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बेरियम सल्फेट बनाएंगे और सोडियम क्लोराइड। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन विच कंपार्टमेंट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, किस कंपार्टमेंट में बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, जितनी नॉलेज है उस हिसाब से बोलो। ए कंपार्टमेंट, बी कंपार्टमेंट, कौन सा? लो टू हाई कंसंट्रेशन, ये सही है, नो प्रेसिपिटेट, गुड, और कोई नहीं बनेगा बी में, ए में, बी में, नो प्रेसिपिटेट, नो प्रेसिपिटेट। वाई नो प्रेसिपिटेट? जब लो टू हाई जाएगा तो वाई नो प्रेसिपिटेट? मेरा क्वेश्चन है वाई नो प्रेसिपिटेट, जब लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई का मतलब हो गया इधर से इधर मूवमेंट, तो बी में बनना चाहिए प्रेसिपिटेट, वाई नो प्रेसिपिटेट? ओके, अफरीन रिजवी ये बिल्कुल सही बोल रहा है। एक्चुअल में देखो है क्या कि एसपीएम से केवल सॉल्वेंट पास होता है, ये याद रखना है। सॉल्यूट कैन नॉट पास थ्रू एसपीएम, सॉल्यूट कैन नॉट पास थ्रू एसपीएम, ओनली सॉल्वेंट कैन पास थ्रू एसपीएम। और एसपीएम से सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है बेसिकली, अगर ये कहें कि लो टू हाई होता है, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग थिंग, दोनों साइड में होता है, बट द नेट फ्लो फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन का मतलब जो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में लो कंसंट्रेशन है, ये भी ध्यान रखना है, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नहीं, बायो में पढ़ाया जाता है सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, यहां पर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, लो कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट, विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन और हाई टू लो दोनों तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होते हैं, बट द नेट फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और नेट फ्लो किसका? ओनली सॉल्वेंट का, केवल पानी इधर उधर जाएगा और नेट फ्लो इधर जाएगा पानी का। इसमें यह नहीं होगा कि क्या कहते हैं यहां पर सॉल्यूट भी पास हो जाए, सॉल्यूट जब पास ही नहीं होगा तो नो प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, इट इज क्लियर? तो हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी सॉल्यूट पास नहीं होगा, सॉल्वेंट पास होगा और नेट फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सेवंथ क्वेश्चन बिल्कुल इसी पर बेस बनाया था कि 2% NaCl है, एक बार 10% NaCl है और उसमें ऑप्शन गिवन थे NaCl विल फ्लो, नो NaCl इज अ सॉल्यूट, NaCl विल फ्लो, B2O गलत हो गया। वाटर कहां से कहां तक फ्लो करेगा? लो टू हाई, यानी A टू B वाटर का फ्लो होगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। अगला देखो एट क्वेश्चन, ये तो क्लियर हो गया ना सबको, ऑस्मोसिस क्लियर हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड इथेनॉल, द मिक्सचर शोज। बेसिकली देखो दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं नॉन आइडियल, एक शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक शो करते हैं निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लो तुम्हारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, मान लो तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, ए मान लेते हैं इथेनॉल है, बी मान लेते हैं वाटर, क्लियर? इथेनॉल है और वाटर है,
इथेनॉल प्योर इथेनॉल में भी अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे, और कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए इंटरेक्शन, बी वाले में भी अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे बीबी इंटरेक्शन, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए इंटरेक्शन है एंड बीबी इंटरेक्शन। अब मैंने क्या करा, ए और बी को मिक्स कर दिया। ए और बी को मिक्स करने में क्या होगा, ए बॉन्ड टूटेगा, बीबी बॉन्ड टूटेगा और नए ए बी बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे, नए ए बी बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली बॉन्ड को तोड़ने में मेरी एनर्जी खर्च होगी, कंज्यूम होगी एनर्जी, और बॉन्ड के बनने में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, सही है। अब ये डिपेंड करेगा कि मेरी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो गई रिलीज होने की बजाय, ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पर। जो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन में ए ए और बी बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू ए बी इंटरेक्शन। इंडिविजुअली ए इंटरेक्शन या बी बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है ए बी इंटरेक्शन से, और अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो अब सोचो देखो कि मैं पूरा पॉजिटिव डेविएशन के तीनों जो इसके पॉइंट है वो इसी में आ जाएंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसको तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ गई और कम एनर्जी रिलीज हुई, तो डेल्टा एच मिक्सिंग जब मैंने दोनों को मिलाया तो डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी मेरी ज्यादा खर्च हो गई और निकली कम। दूसरी बात क्या होगी, जब इंटरेक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर दूर हो गए, पहले क्या थे पास पास थे, अब क्या हो गए दूर दूर हो गए, दूर दूर होने से क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग बढ़ जाएगा। यानी अगर मैंने, अब ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 ml मैंने इथेनॉल एंड वाटर को मिलाया और मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो आंसर इज ग्रेटर देन 100 ml, ग्रेटर देन 100 ml, रीजन बीइंग कि ये कमजोर है और ये दोनों स्ट्रॉन्ग। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात क्या होगी कि ये मॉलिक्यूल जब वीकली अटैच्ड है तो ये जल्दी पहुंच जाएंगे सरफेस पर, ये मॉलिक्यूल जल्दी सरफेस पे आ जाएंगे, और जल्दी सरफेस पे आ जाएंगे तो वेपर प्रेशर नॉर्मल वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा पीए, यही तो राउल्स लॉ है, पीए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पीबी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये भी पता है, अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब मेरे पास ओवरऑल पॉजिटिव डेविएशन में तीन चीजें आ गई, तीन चीजें क्या आ गई कि ए बी, इसकी वजह क्या थी, ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए और बी बी इंटरेक्शन, और जब ये वीक है तो ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा यूज हुई और कम एनर्जी रिलीज हुई, ओवरऑल डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया और मॉलिक्यूल जल्दी पहुंच गए सरफेस पर, जल्दी पहुंच गए तो वेपर प्रेशर पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, बढ़ गया, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। तो जब भी ये इथेनॉल एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, और अगर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना दे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पता है, इट इज द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इट इज द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, इसी को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दूसरी बात, निगेटिव डेविएशन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, निगेटिव डेविएशन में ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया और ये वीक हो, यानी वीक को तोड़ने में मुझे कम एनर्जी लगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए, पास पास आ गए, तो अगर मैंने 50 ml इसके 50 ml इसके मिलाए तो टोटल वॉल्यूम लेस देन 100 ml,
क्योंकि नेगेटिव डेविएशन था, और इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर मान लो मेरा बॉइलिंग, अगर मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, और इसने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना दिया, देन इट ऑलवेज फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इज इट क्लियर? तो ये आपका जो क्वेश्चन था सर, बच्चों का एक क्वेश्चन है। हाँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को याद करने का कोई तरीका है क्या कि किस किस का होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का थोड़ा सा फंडामेंटल बता दे रहा हूं कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में अल्कोहल आ गया, किसी भी सॉल्यूशन में अगर अल्कोहल आ गया तो 100% पॉजिटिव डेविएशन होगा, सिंपल सा याद रखो। और अगर कहीं पर एसिड आ गया, किसी भी एग्जाम्पल में एसिड आ गया, इट ऑलवेज शो नेगेटिव डेविएशन। ये दो फंडामेंटल ध्यान रखिए। इसके अलावा भी एग्जाम्पल होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा एग्जाम्पल नहीं होते, इसके अलावा भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, तो इसके अलावा भी एग्जाम्पल होंगे, लेकिन आपको ये जनरल याद रखो, जनरल ये याद रखना है आपको कि एल्कोहल अगर आ गया पॉजिटिव डेविएशन, एसिड आ गया नेगेटिव डेविएशन। तो दिस इज अ पॉजिटिव डेविएशन। इसके लिए तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन ये जो क्वेश्चन था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा था वाटर एंड इथेनॉल का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह से कम होगा, एंड इट फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये आपका 7th क्वेश्चन भी हो गया, 8th क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है 9th। 9th में आपको वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यूज ऑफ वांडा फैक्टर। अभी देखो इसमें वांडा फैक्टर का क्वेश्चन भी आएगा, तो वो भी हम देखेंगे। है ना, अभी कुछ की प्रॉब्लम थी कि व्हाट इज द वांडा फैक्टर। वांडा फैक्टर बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए। कहीं समझ में आ रहा है ना, फायदा हो रहा है, काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ आ रहा है, काफी सिंपल है चीजें। फोकस रखिए, बोर्ड पे फोकस रखिए, चैट पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, बोर्ड पे फोकस करिए, समझिए इसको, मतलब आराम से रिवीजन हो रहा है आपका, जाके चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा आज, ठीक है? देखिए 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में हमें वांडा फैक्टर का प्रॉपरली यूज करना है, पी माइनस पी एस अपॉन पी, ये फॉर्मूला होता है विद वांडा फैक्टर, आई एन प्लस एन। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आई इज द वांडा फैक्टर। वांडा फैक्टर बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वांडा फैक्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो इसमें K2SO4 मुझे गिवन है, K2SO4 कितने पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, K2SO4 कितने पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, तो K2SO4 गिव 3 पार्टिकल्स, 2 पोटेशियम एंड 1 सल्फेट, 2 पोटेशियम एंड 1 सल्फेट। सो द वैल्यू ऑफ IH3, वैल्यू ऑफ IH3, और अब इसको क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, मोल ऑफ K2SO4 टू बी डिसॉल्वड इन 12 मोल्स वाटर टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर बाय 10 mm, यानी P माइनस PS इज द 10 mm, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 50, तो सॉल्व हो जाएगा 10/50, आई कितना लगोगे 3। अब तो समझ में आ गया ना, वांडा फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, 3 कंप्लीट। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, एक थंब रूल ध्यान रखो, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम 100% डिसोसिएटेड माने, अदरवाइज गिवन होना चाहिए कि ये इतने परसेंट डिसोसिएट हुआ, तब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर लेंगे। 3 × n मुझे निकालना है, 3 × n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये आपको 12 दे रखा है, तो ये आपका 3n + 12 = 15n, 12n = 12 एंड n = 1, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 आ गए, दैट इज 1, और इसका आंसर हो गया 9th का 3। 10th क्वेश्चन, अभी मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में विच हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट,
हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है तो मैंने क्या बताया था बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, दो चीजें बढ़ती हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पर आपको दे रखा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अल्टरनेटेज 0.01 mNaCl, एक दे रखा है 0.05 mUria, 0.01 mMgCl2 और 0.02 mNaCl। ये मैंने बताया था कि जब भी मोलरिटी गिवन होगी तो विद रेस्पेक्ट टू मास गिवन। अब मुझे इसे नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना, वही आई से मल्टीप्लाई करना, आई इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, NaCl गिव 2 आयंस, यूरिया 1, MgCl2 कितने आयन देगा 3, एक मैग्नीशियम और दो क्लोराइड और NaCl2। तो यहां मल्टीप्लीकेशन होगा 0.01 × 2 दैट इज 0.02, ये 0.05 ही रह जाएगा, ये 0.01 × 3 दैट इज 0.03 होगा, ये 0.02 × 2 दैट इज 0.04। अब आपसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, हाईएस्ट, लोएस्ट पूछा जाता तो आंसर इज यूरिया, सबसे ज्यादा यही आ रहा है 0.05, और हाईएस्ट पूछा गया है तो सबसे कम वाला देखना है, तो सबसे कम वाला कौन सा है 0.01 mNaCl, यानी इसका आंसर 1 हो जाए, इसका आंसर 1 हो जाए। क्लियर, ये सबको क्लियर है? 1 क्यों होगा ये समझ में आ गया, सबसे कम इफेक्टिव मोलरिटी देखनी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल के मल्टीप्लाई करने के बाद आई है, सबसे कम मोलरिटी ये आ रही है 0.02, 0.01 × NaCl2 आयन दे रहा है 2 से मल्टीप्लाई, ये कोई नहीं दे रहा 0.05, ये 3 दे रहा है तो 0.03, ये 2 दे रहा है तो 0.04। तो सबसे कम हाईएस्ट, सबसे ज्यादा लोएस्ट। अगला 11th क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मर्क्यूरी कार्बोनाइट HgI2 होता है, मर्क्यूरी कार्बोनाइट देखिए, मर्क्यूरी कार्बोनाइट इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या हुआ, फिर वही चीज है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का देखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप देखें तो ये केस कुछ अजीब सा है, HgI2 देखकर लग रहा है 3 आयंस देना चाहिए और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरीके से बिहेव करना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या हो जाना चाहिए लोअर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाना चाहिए और वेपर प्रेशर कम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, जैसे ही तुमने इसे पोटेशियम आयोडाइड में डाला इट इज कन्वर्टेड इनटू K2HgI4, कॉम्प्लेक्स बनने से क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा या नहीं होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा तो उल्टा आंसर होना शुरू हो जाएगा हर जगह, ये नहीं कि क्या कहते हैं HgI2 देखते ही आपने 3 आयन देखे और फ्रीजिंग पॉइंट लोअर लगा दिया, अल्टरनेट देखो सेकंड वही वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो फ्रीजिंग पॉइंट इज रेस्ट, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेस्ट। तो ये केस अलग से ध्यान रखो, अलग से इस केस को ध्यान रखो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो हमें उल्टा आंसर करना है, जो दो चीजें घटनी थी फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जो दो चीजें बढ़नी थी वो क्या हो जाएंगे, घटना शुरू हो जाएंगे। 12th क्वेश्चन में एल्युमिनियम फॉस्फेट इज 100% आयनाइज्ड इन 0.01, तो 11th का आपका आंसर 1 हो गया, एल्युमिनियम फॉस्फेट इज 100% आयनाइज्ड इन 0.01 mm एक्वस सॉल्यूशन हैज डेल्टा टीबी अपॉन केबी इज। फिर मेन चीज क्या है, आई को फिर से देखना है, एल्युमिनियम फॉस्फेट के केस में आई को देखना है, और बेसिकली यहां पर ये क्वेश्चन क्यों दिया था, जानबूझ के दिया गया था,
एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला अगर आपको ठीक से नहीं पता होगा आप आई नहीं बता सकते। फॉर्मूला पता होगा तो इस क्वेश्चन को करने में कुछ है ही नहीं। तो एल्युमिनियम फॉस्फेट AlPO4 दोनों की तीन तीन वैलेंसी, यहां गड़बड़ क्या होती है, तुम लिख देते हो Al2PO4 का होल फ्रेंड्स, पूरा गलत ही हो गया, आई आपका गलत, क्वेश्चन गलत। तो AlPO4 जब 100% डिसोसिएट होगा इट गिव्स 2 आयन Al+3PO4-3, व्हाट इज द वांडा फैक्टर, जितने आयन कितने 2, तो वांडा फैक्टर इज 2। तो यहां पर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम। तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा टीबी अपॉन के बी चाहिए, यही तो चाहिए, इज इक्वल टू आई इंटू एम, आई इज टू, दिस इज 0.01, दिस इज 0.02 एंड दिस इज द आंसर। बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, उसका आई पता होना चाहिए। तो ये आपके 12 क्वेश्चन तक, ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन के थे, सॉल्यूशन के इसमें काफी दिए थे, सॉल्यूशन का जनरली क्वेश्चन भी आता ही है, हर साल आता है। अब इसमें अगले जो क्वेश्चन है वो केमिकल काइनेटिक्स के हैं, केमिकल काइनेटिक्स के हैं, और केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं क्या है। देखिए 13 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और 13 क्वेश्चन में क्या है, मैं क्लीन कर दूं सर? नहीं, एक बार कर लीजिए फिर मैं क्लीन अगली बार कर देंगे। देखो ये 13 क्वेश्चन जो है, जैसे कोई इक्वेशन लिख दी मैंने A+2B गिव 3C+D लिख दिया, सही है। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप देखिए कि यहां पर ए एंड बी आर डिसअपीयर, सी एंड डी आर फॉर्म अपीयर, सी एंड डी आर अपीयर, लेकिन किसी टाइम में अगर एक मोल ए का खत्म हुआ तो 2 मोल बी के कंज्यूम हो रहे। रेट क्या होता है, रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम सेम है लेकिन उस टाइम में इसका 1 मोल जा रहा है तो इसके 2 मोल जा रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। वैसी लॉजिकली सोचो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या ए और सी को कंपेयर करो जरा। अगर 1 मोल ए का कंज्यूम हो रहा है तो 3 मोल सी के बन रहे हैं सेम टाइम के अंदर, तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज थ्राइस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज थ्राइस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब ये चीज रिप्रेजेंट कैसे होगी, इसको देखिए माइनस साइन लगाया जाता है फॉर द डिसअपीयरेंस एंड प्लस साइन लगाया जाता है फॉर द अपीयरेंस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस साइन केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसअपीयरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आगे कोफिशिएंट है वो 1 अपॉन में आते जाएंगे, ये पर मोल आता जाता है, -1/2 dB/dt। अब यहां जो मैंने बोला था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो गया, हो गया नहीं हो गया, इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, प्लस का 1/3 dC/dt, इज इक्वल टू लिखोगे dD/dt, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन।
इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन. तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट, अब इसमें से कोई सी भी एक चीज गिवन, कोई भी एक चीज गिवन हो, सारी चीजें कैलकुलेट हो सकती है, हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी. कोई सी भी इक्वेशन दे रखी है, सब डिसअपीयरेंस अपीयरेंस और रेट की टर्म में ये कन्वर्जन हो गया. सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके अंदर पहले चैप्टर में, उसका केमिकल काइनेटिक्स में भी वही एप्लीकेशन हुआ कि दो की जगह यदि मैंने इसमें चार मोल डाल दिए तो वो तो दो मोल ही उसके साथ रिएक्ट करेंगे, बाकी दो मोल रह जाएंगे. दो मोल रह जाएंगे लेकिन उस टाइप का आएगा नहीं यहाँ केमिकल का. अच्छा ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं जरा. ये क्वेश्चन दे रखा था एक्स ए से वाई बी दे रखा था, मुझे एक्स और वाई का रेशो निकालना था, एक्स एंड वाई का रेशो निकालना. लेकिन फॉर्म देखो क्या दे रखी थी, लॉग माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग माइनस डी बी बाई डी टी प्लस 0.3. अब मैं इसको पूरा कन्वर्ट करता हूं जरा, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग माइनस डी ए बाई डी टी, इसको लिख एज इट इज लिखते हैं माइनस डी बी अपॉन डी टी प्लस लॉग टू की वैल्यू होती है ना 0.3, इसे लॉग टू लिख दिया, सही है. और इसको देखिए, इसको हमने लिख दिया लॉग हटा दिया तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू टू इंटू डी बी बाई डी टी, ये आ जाएगा. और अब आप देखिए ये जो हो गया ये 1/2 हो गया बेसिकली. ये मैंने क्या करा, ये 2 अगर आगे था तो ये 1/2 करा था, यहां 2 है तो अगर 1/1/2 करूंगा तो ये 2 आ जाएगा. तो या इसको इधर ले जाते हैं ना, इसको इधर ले जाते हैं 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी. कॉफिशियंट देखो, अब x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, इजिट क्लियर. ये 1/2 है, यानी ये मैंने जब 2 था तो ये 1/2 था, तो इसके आगे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई और ये वैल्यू 1 आ गई. हेंस रेशो ऑफ x रेशो y इज इक्वल टू 2:1, ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया 13 क्वेश्चन. सर ये बच्चे पूछे कि ये डीबी के अंदर जो नेगेटिव साइन था वो कहां गया. ये एक्चुअल में ना इसमें गड़बड़ है, ये माइनस साइन नहीं होगा, क्वेश्चन में गड़बड़ है क्योंकि ये अपीयर हो रहा है. अच्छा, बी इज अपीयर्ड एंड ए इज डिसअपीयर्ड, ठीक है. जो अपीयर्ड होगा वहां पर कौन सा साइन लगेगा, प्लस, और जो डिसअपीयर्ड होगा उसमें साइन कौन सा लगेगा, माइनस. ठीक है सुरुजी, ये क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन में गलती है, मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में गलती है गाइस. हां माइनस डीवी बाय डीटी की जगह डीवी बाय डीटी. तो गाइज ये बहुत अच्छा है, कम से कम जब कोई टीचर पढ़ा रहे होते हैं और उन्हें बच्चे पॉइंट आउट करते हैं कि सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो उससे ये समझ आ, तुम सीरियसली पढ़ रहे हो, तुम देख रहे हो चीज, सो नहीं रहे हो, क्योंकि आधी दुनिया जब क्लास में बैठ के पढ़ रही होती है ना तो वो हनुमान चालीसा चल रही होती है, आंख बंद करके बैठे होते हैं, तो वैसा नहीं है, आप सब लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड. मतलब ये तुमने पॉइंट आउट करा, मजा आ गया, ये माइनस साइन यहाँ पर, हाँ बहुत सही था, क्योंकि ये अपीयर हो रहा है ना, सीधे अपीयर में पॉजिटिव साइन और डिसअपीयर में नेगेटिव साइन, तो ये आपका क्लियर हो गया x इंच टू y का रेशो. अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 14 क्वेश्चन है, मैं मिटा देता हूँ सर, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आप अपना कॉफी फिनिश कर लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ.
इसमें बेसिकली ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कम रहते हैं सर, तो एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऐड कर लेते हैं, आप अपनी तरफ से करा दीजिएगा। गाइस वैसे एक चीज बता रहा हूं, मजा आ गया आपने जो पकड़ा था इससे, एकदम मजा आ गया, लग रहा है कि सब लोग बहुत सीरियसली यहां पे ध्यान देके पढ़ रहे हैं, सब लोग बस बेमतलब में सर नहीं हिला रहे, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 3-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं, और क्या करना है, बाकी सब सही चल रहा है। अरे नुसरत मैं तुम लोग को मेहनत नहीं करा रहा, मेहनत तुम लोग कर रहे हो, हम लोग ठीक है, हम लोग भी अपनी तरफ से कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें अच्छी चीज यही है कि ये सारे जो ये इतने अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे आ पा रहे हैं, आप लोग सुबह सुबह उठ के बैठ गए। मुझे पता है काफी सारे बच्चे आप में से रात को 2-2, 3-3 बजे सोए होंगे, आप सुबह उठ के बैठ गए, इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। इस टाइम पे मुझे यही समझ आ रहा है, इस टाइम पे इससे अच्छा फॉर्मेट नहीं हो सकता, 3-3, 4-4 आपको चैप्टर आपको दिन के रिवाइज करने, इस तरह से अच्छी तरह रिवाइज हो जा रहे, तो आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो हम जो मेहनत कर रहे हैं लगता नहीं है कि मेहनत है, तो वो बहुत अच्छा है, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो बस सर अभी ज्वाइन करेंगे 10 मिनट में, तो उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, मतलब दिस इज फिनोमिनल। तो बस स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, कल वैसे मैं ये बता देता हूं, कल विवेक पांडे का सेशन होगा, टाइम एक बार आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, तो हम उसमें हीट के जो 3 चैप्टर्स ऑफ हीट, ठीक है, सॉलिड्स और फ्लूइड्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सारे चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाए, पर मुझे लगता है कि 10-12 चैप्टर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अक्रॉस रिवाइज नहीं कर पाएंगे, पर 70-75 चैप्टर्स के ऊपर लाइव सेशन हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे आपका 11th का पूरा रिवीजन लाइव सेशंस के थ्रू हो जाएगा, उसके बाद जो मेहनत आपको करनी है वो तो आपको करनी है। ठीक है, तो ये है गाइस, अभी बस विपिन सर 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे, आपको कुछ पानी वानी पीना है तो जाके कर लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइज, हम लोग थे 14 नंबर के क्वेश्चन पे, देखो एक आपको बेंजीन डायजेनिक क्लोराइड के मैंने N2Cl और इसको हीट कर रहे हैं, देन इट गिव्स Cl प्लस N2 और
नाइट्रोजन का वॉल्यूम को मेजर करा जाए। अब इसमें देखिए, अगर हम T=0 पे जा रहे हैं, T=0, इसको ए लिखोगे, इसको जीरो जीरो, T=T या जो भी 10 मिनट दे रखा है, 10 मिनट लिख देते हैं, 10 मिनट, तो दिस इज ए माइनस एक्स, एक्स एक्स, और एक आपको दे रखा है एट द एंड ऑफ रिएक्शन या T=∞, और ये फिर क्या हो जाएगा, इट इज जीरो, इट इज ए, इट इज। केवल नाइट्रोजन को हमने मेजर करा, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 10 लीटर। अब इसे पुट करना है, यानी एक्स की वैल्यू 10 लीटर हो गई, ठीक है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इट इज 50 लीटर, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई, 50 लीटर हो गई। क्वेश्चन सॉल्व, ए पता चल गया, एक्स पता चल गया, हमें क्या रखना है, के इक्वल टू क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट निकालना है, तो के इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन टी इज 10 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स 50 माइनस 10। इज इट क्लियर? तो ये हमें इससे पूरी वैल्यूज पता चल गई एक्स की और ए की। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गिवन था 10 लीटर और एट द एंड ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन का वॉल्यूम था 50 लीटर, यानी दिस इज ए एंड दिस इज एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स, और ये मेरे पास k इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log, ये कितना हो गया, 1.25 पर मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है पर टाइम टेबल। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, 14 का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर? ये क्लियर गाइज? अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको ग्राफ के आइडिया होने चाहिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के जो ग्राफ बनते हैं उसके आइडिया होने चाहिए, उसी से रिएक्शन का पता चलेगा। ये लिखिए ना, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन द केस ऑफ केमिकल रिएक्शन आर 30.5 एंड 45.4। इसमें बेसिकली क्या है ना, आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ्स का आइडिया होना चाहिए। बेसिकली ये दो ग्राफ होते हैं, इधर हम लोग लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर हम लेते हैं एनर्जी की फॉर्म। इधर हम लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर हम लेते हैं एनर्जी की फॉर्म, ठीक है। कुछ ना कुछ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे होती है, मान लो ये 20 है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको पता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, मान लो 100 पे रिएक्शन शुरू होती है, तो ये ग्राफ मान लो इस तरीके से, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, this is the activation energy for forward and this is the activation energy for backward, और ये जो डिफरेंस आता है this is delta H। बेसिकली ये क्या होगा कि यहां एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हुई और रिलीज क्या हो रही है, कम हो रही है, जब प्रोडक्ट बन रहा है तो रिलीज हो रही है, तो नेट उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। डेल्टा एच कैसा आ गया, पॉजिटिव, यानी ये ग्राफ बनेगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं कि मान लो
तुम्हें EF दे दिया और डेल्टा एच दे दिया, E भी निकला। डेल्टा एच का साइन देखकर आप ये आइडिया लगाइए कि इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो दिस इज एंडोथर्मिक, नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। तो उसमें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जब आपको पता चलेगा तभी ये आइडिया लगेगा। और मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ई भी निकालना है, तो आप ई एफ में से डेल्टा एच को माइनस कर देंगे, देन वी गेट ई। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। अगले वाले ग्राफ में क्या है कि ये आपका यहां से शुरू हुआ और ये नीचे आया, ये आपका मान लो अब भी 100 पे ही जा रहा है। दिस इज ई एफ, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, बी स्टैंड फॉर बैकवर्ड, ये ई बी, और ये जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा एच, ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसने कम एनर्जी अब्जॉर्ब करी और ज्यादा रिलीज कर दी, तो डेल्टा एच कैसा हो गया, निगेटिव। यहां पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन अब आपको मान लो ई बी निकालना, तो इन दोनों को मुझे प्लस करना पड़ेगा तभी तो ई बी आएगा। इसमें मुझे ई बी निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, आपको ग्राफ का पूरा आइडिया होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक का कैसा ग्राफ है और एंडोथर्मिक का कैसा ग्राफ है। डेल्टा एच का साइन देखकर हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये ग्राफ बना फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब देखो मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड की कम है 30.5 एंड बैकवर्ड की ज्यादा है। ये कब पॉसिबल है, फॉरवर्ड की कम बैकवर्ड की ज्यादा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ही तो पॉसिबल है। सीधे आंसर क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड की EB से ज्यादा होती तो एंडोथर्मिक, यानी यहां पर EF मस्ट बी ग्रेटर देन EB, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। यहां पर EF इज लेस देन EB, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, और ग्राफ को देखकर आपको आंसर करने होते हैं। तो ये आपके केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ थे। कुछ मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का है। तो ये 15 का आंसर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, 1 हो गया। 16 क्वेश्चन में देखो NaCl इज डोप्ड विद 10⁻⁴ मोल परसेंट स्ट्रोंशियम क्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जब हम NaCl में SrCl2 की डोपिंग करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन को हटाएंगे, कोई भी वैकेंसी डेवलप नहीं होगी। लेकिन SR पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। एक SR +2 दो Na प्लस को हटा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन। एक SR +2 दो Na प्लस को हटा देगा और एक जगह पे खुद आ जाएगा, एक जगह पे खुद आ जाएगा और एक कैटायन वैकेंसी डेवलप हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, एक SR +2 ने दो Na प्लस को हटाया, दो कैटायन वैकेंसी, लेकिन एक जगह पर SR +2 खुद आ गया, एक जगह पर खुद SR +2 आ गया, तो कितनी कैटायन वैकेंसी डेवलप हुई, ओनली 1 कैटायन वैकेंसी। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर 10⁻⁴ मोल परसेंट लिखा हुआ है, तो इसका बहुत ध्यान रखना है 10⁻⁴ मोल लिखा हुआ है या मोल परसेंट लिखा हुआ है। बेसिकली 10⁻⁴ मोल अगर होते
तो 10 की पावर माइनस 4 मोल के टाइम वैकेंसी डेवलप करते हैं, दो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी परसेंटेज लिखा होगा तो हमें पर मोल देखना होता है डिवाइडेड बाई 100 का। जब भी परसेंटेज लिखा होगा ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ऑप्शन वहां दोनों होंगे। अगर जब भी परसेंटेज रखा होगा डिवाइडेड बाई 100 जरूर करना है, पर मोल हमें देखना होगा। तो यहां पर बेसिकली नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज इक्वल टू, क्योंकि एक ने एक ही डेवलप करा, हमारे पास 10 की पावर माइनस 4 मोल परसेंट है, तो 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 100 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 617, यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 17 पर मोल कैटायन वैकेंसी। ये नंबर हो गया पर मोल का, क्लियर। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, बस ध्यान के रखना अगर मोल परसेंट है डिवाइडेड बाय 100 जरूर करो, और वैसी मोल है तो वैसी हो जाएगी। यहां पर हो सकता था AlCl3 होता, यहां पर हो सकता था AlCl3 होता, तो एक एल्युमिनियम आयन 3 Na+ को हटाता, एक जगह पे खुद आता, तो कितनी कैटायन वैकेंसी डेवलप करता, 2 कैटायन वैकेंसी ये डेवलप कर देता, तो वहां 2 × 2 हो जाता। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी का है, सॉलिड स्टेट का है। सॉलिड स्टेट में यानी 16 का आंसर आपका सेकंड हो गया। 17 में देखो, यहां पर मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा कि एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का होता है सीजियम क्लोराइड। तो यहां पर आपका क्या होता है, सीजियम क्लोराइड का थोड़ा सा केस देखते हैं। सीजियम क्लोराइड में कॉर्नर पे होगा, बॉडी में होगा और उधर कॉर्नर पे होगा। तो यहां पर आपका क्या होगा, जब एक बॉडी डायगोनल डालेंगे, बॉडी डायगोनल जब हम पास कर रहे हैं तो इधर आर आ गया, बीच में 2R आ गया और उधर आर चला गया, यानी 4R हो गया। 4R इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल ए रूट 3। अब यही केस अगर सीजियम क्लोराइड का बन जाए, यही केस क्या बन जाए, सीजियम क्लोराइड का बन जाए, तो सीजियम क्लोराइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4R में हम क्या कर सकते हैं, 2R प्लस प्लस 2R माइनस, क्योंकि यहां क्लोराइड रहा होगा कॉर्नर पे, क्लोराइड जब नीचे आएगा तो हम सीजियम को पास करते हुए जाएंगे, सीजियम को पास करते हुए जाएंगे, तो 2R प्लस कर दिया, और लास्ट में जाके आपका क्या हो गया, लास्ट में जाके क्लोराइड आयन हो गया, तो 2R प्लस प्लस 2R माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रूट 3 हो जाएगा। सेम चीज है, लेकिन यही केस अगर हम सोडियम क्लोराइड में आए, और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, सोडियम क्लोराइड में आए तो हम 4R इज इक्वल टू, वहां पर फेस डायगोनल होता है, वहां पर हम 2R प्लस प्लस 2R माइनस नहीं कर सकते। देखो सोडियम क्लोराइड के केस में होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड में ये मैंने क्यूब लिया, ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां गड़बड़ होती है, फेस एंड कॉर्नर है, एफसीसी की बात कर रहा हूं। बेसिकली क्या है कि इधर तो हम कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, जैसे इधर सेल इज लेंथ, लेकिन कैलकुलेट बीच में गैप पड़ा, तो इसमें जो हम लेंगे वो फेस डायगोनल लेते हैं, फेस डायगोनल लिया, और फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है, ए रूट 2, तो ये आपका आर हो गया, बीच में हो गया 2R, दिस इज R एंड दिस इज ए रूट 2, यानी 4R इज इक्वल टू हो गया ए रूट 2, R इज इक्वल टू हो गया ए अपॉन 2 रूट 2। ये हुआ मैं FCC वाला बता। अब जैसे मैंने सीजियम क्लोराइड के केस में क्या लिया था,
सीजन क्लोराइड के केस में लिया था 4R = A√3 और इसी को मैंने लिख दिया था 2R + 2R - = A√3। कोई फर्क नहीं था क्योंकि बीच में सीजम आयन आ गया था और कॉर्नर पे क्या थे, क्लोराइड क्लोराइड थे और ये हमारा आ गया। क्या यहां पर मैं 4R को 2R + 2R- लिख सकता हूं इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड? तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजन बेसिकली ये जो कॉर्नर एंड फेसेज पर है यहां सोडियम आयन है ही नहीं। आप इसका स्ट्रक्चर याद करिए, क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एंड फेसेज, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है। अब यहां सोडियम आया ही कहां, गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2R + 2R - = A√2 गलत हो जाएगा क्योंकि यहां सोडियम आयन कहीं पर नहीं है। सोडियम आयन प्रेजेंट कहां पर है? सोडियम आयन प्रेजेंट है एस सेंटर पर, सोडियम आयन प्रेजेंट है एस सेंटर पर, और एस सेंटर पर जब प्रेजेंट है तो ये यहां पर आएगा ना। अब ये आप देखिए कि ये चीज क्लोराइड आयन अगर प्रेजेंट है तो R माइनस हो गई, ये सोडियम आयन है तो ये 2R प्लस हो गई और ये क्या हो गया, R माइनस हो गया, हो गया नहीं हो गया। और ये अब इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर हम बात करें तो ये बहुत पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी आता है 2R + 2R - = A होगा नॉट A√2 और R + R - = A/2 एंड दिस इज द इंटर आयनिक डिस्टेंस। दिस इज द इंटर आयनिक डिस्टेंस और इस केस में यही चल जाएगा 2R + 2R - = A√3। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था, बेसिकली इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है सोडियम क्लोराइड पे और इसमें आपको कैटायन का रेडियस दे दिया जाता है, सेल एज लेंथ गिवन होती है, एनायन का रेडियस निकलवा लेते हैं। और इसकी मजे की बात एक और है, यहां पर केवल एक चीज अगर पता हो तो सारी चीजें कैलकुलेट भी हो जाएंगी। कैसे कैलकुलेट हो जाएंगी, एक फॉर्मूला तो ये आ गया, एक मुझे इधर से मिल गया ना, देखो ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, 4R - = A√2 एक इक्वेशन और मिल गई, नहीं मिल गई, तो यहां पर एक इक्वेशन और आ गई 4R - A√2। अगर मुझे केवल सेलेज लेंथ गिवन है, मान लो मैं कैटायन एनायन दोनों के रेडियस निकाल दूंगा, पहले मैं ये फॉर्मूला लगा के आर माइनस निकाल लूंगा, ए पता है, और इसको मैंने इसमें पुट कर दिया, ए पता है तो आर प्लस आ जाए। वो इस केस में नहीं हो सकता सीजियम क्लोराइड, ये केस जो है ये बीसीसी का है और ये जो केस है स्पेशली ये केस, ये किसका है, सीजियम क्लोराइड के केस का। अब ये पूरा आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको डिस्कस करी है। एटम के केस में आपका सीधा ये जाएगा 4R = A√2 जाएगा, अगर NaCl का केस है तो वो नहीं चलेगा 2R + 2R-, रीजन बीइंग कि ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है। बेसिकली सोडियम आयन S सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, ये R माइनस हो गया, ये 2R प्लस हो गया, ये R माइनस हो गया, तो 2R + 2R - = A होगा, R + R - A/2 होगा इंटर आयनिक डिस्टेंस। और यहां पर एक फॉर्मूला और मिल गया मुझे 4R - A√2। सीजियम क्लोराइड में नॉर्मल रहेगा 4R = बॉडी डायगोनल की लेंथ रहेगी, A√2 ये फेस डायगोनल की लेंथ है और 2R + 2R- यहां कोई चेंज नहीं है, A√3 है। अब जो क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन मेरे पास है 17, इसको नोट कर लिया ना, इसको गाइज नोट कर लिया सबने, बॉडी डायगोनल बात कर लो है ना, पूरा मैथमेटिक्स दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है, फेस डायगोनल की लेंथ A√2 होती है, तो ये A√2 है जो मैंने ये फेस डायगोनल डाला हुआ है और एक बॉडी के अंदर डायगोनल डाला जाता है वो A√3 है।
तो 4r इज इक्वल टू a रूट 3 2r प्लस प्लस 2r माइनस इज इक्वल टू a रूट। ये क्यूब को विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं गाइस, ये आपको क्यूब दिखाई दे रहा है? ये भी अच्छा वो समझ गया, समझ मेरे ख्याल से समझ गया। हाँ मतलब वो समझ गया सर। हाँ क्यूब को समझ लेना जरूरी है। एक्चुअल में ना तुम अभी अपने दिमाग में ये रखो, फेस डायगोनल a रूट 2 होता है, a इज द सेलेंट लेंथ, और बॉडी डायगोनल a रूट 3 होता है। बॉडी डायगोनल जब अंदर से डाला जाएगा तो a रूट 3 की लेंथ आएगी और फेस डायगोनल a रूट 2 है। अब इसमें देखो जो 17 क्वेश्चन है, ए बी क्रिस्टलाइजेशन जिन्हें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद सेलेंट लेंथ 387 पिकोमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस in the lattice edge. तो देखो ये आ गया r plus interending distance क्या होती है? r plus plus r minus. इसको हटा दूँ ना? हटा दूँ भाई? तो 17 क्वेश्चन में r प्लस प्लस r माइनस बॉडी सेंटर के केस में a रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और a इज 387 इनटू रूट 3 इज 1.732 अपॉन 2 तो ये अप्रोक्स 355 पिकोमीटर। तो इसका आंसर हो गया 4। 18 क्वेश्चन है फिर वांड ऑफ फैक्टर का। देखो वांड ऑफ फैक्टर में एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जितने भी आयन दे रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जितने भी आयन दे रहा है, मान लो KCl है 2 आयन दे रहा है, MgCl2 3 आयन दे रहा है, K4Fe6 होता तो वो डिसोसिएट होगा 4 कैल्शियम 4 पोटेशियम एंड Fe6 नेगेटिव 4 देता यानी 5 आयन देता। I बेसिकली होता है 1 प्लस जितने भी आयन दे रहा है उससे एक कम x प्लस कर दो, एक कम x प्लस कर दो, x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे KCl के केस में मैंने ये फॉर्मूला बनाया, KCl गिव्स 2 आयन तो मैंने एक कम x प्लस कर दिया। मान लो यही फॉर्मूला मैं K4Fe6 के केस में बनाता तो K4Fe6 में क्या बनता? 1 प्लस 4x, 1 प्लस 4x क्योंकि 5 आयंस है, एक कम x प्लस कर देंगे। अब ये बड़ा सिंपल सा हो गया, 0.005 तो कोई मतलब ही नहीं है, i 1.95, 1 प्लस x और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 0.95। x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। इज इट क्लियर? तो एक कम x प्लस कर दो, अगर MgCl2 होता तो क्या लगाते बोलो? MgCl2 होता तो MgCl2 3 आयंस दे रहा है तो I इज इक्वल टू क्या होता? 1 प्लस 2x। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कम क्वेश्चन पड़े हुए हैं और शायद एक ही आ रहा है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नस्ट इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है, नस्ट इक्वेशन, ठीक है? तो नस्ट इक्वेशन पर बेस क्वेश्चन है, तो 18 का आंसर हो गया 1। अब इसमें आपसे पूछा गया बाई हाउ मच विल द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कॉपर चेंज इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स एट 298 के। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कॉपर हाफ सेल के लिए लिखते हैं, ई सेल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट सेल जो कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर, यहां वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर है। मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, सपोज कर लो कोई सी भी, मैंने 1 एम मान ली,
तो यहाँ पर ये मैंने वन लिख दिया, ये समझ में आया। कभी कभी ये माइनस साइन भी लगाया जाता है ना, बहुत से लोग माइनस साइन लगाते हैं तो ये वन अपॉन में आ जाएगा, यहाँ तो कोई फर्क नहीं लेकिन और दूसरे में फर्क आ जाएगा, वन अपॉन में आ जाएगा और यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा अगर प्लस साइन है। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ई नॉट सी यू प्लस टू ऑब्लिक कॉपर हो जाएगा, सी यू प्लस टू ऑब्लिक कॉपर हो जाएगा। इनिशियल कंसेंट्रेशन मैंने एज्यूम कर ली वन है, तो यहां पर ई सेल वन क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया, लॉग वन इज जीरो, तो ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन वन। अब मैं डाइल्यूट कर रहा हूं इसे 100 times, 100 times डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि मैंने वन से घटाकर कितना कर दिया, 0.01 m कर दिया, 0.01 m कर दिया। तो E cell 2 की बात करते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, E not cell प्लस 0.059 अपॉन 2 log ये 0.01। 0.01 मतलब log 10 की पावर माइनस 2, ये माइनस साइन के साथ आगे आ जाएगा, तो E not cell माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये बेसिकली आया E नॉट सेल माइनस 0.059 वोल्ट, या हम इसको कह सकते हैं E नॉट सेल माइनस 59 मिली वोल्ट। तो आप देखिए पहले और दूसरे में व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, दिस इज E नॉट सेल और ये हो गया माइनस 59 मिली वोल्ट, यानी डिक्रीजेड बाय 59 मिली वोल्ट, डिक्रीजेड बाय 59 मिली वोल्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, 19 का 2। सर इनको फेज समझ में नहीं आ रहा था ना, है? इनको फेज समझ में नहीं आ रहा था, फेज और उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है। अच्छा तो मैंने कहा कहीं से दिखाई दे रहा है आपको, बहुत बढ़िया, ये क्यूब है आपका, ठीक है। हाँ अब ये थोड़ा ये पतंजलि का साबुन है जिसको मैं काट के लाया हूँ, इसको एक मिनट के लिए क्यों मान लीजिए, ये देखिए, ठीक है, आप देख रहे हैं इसके फेसेस, तो ये जो है फेस डायगोनल की बात हो रही थी, तो ये इसकी साइड्स हैं, आपको साइड दिख रही है इसकी, 6, एक मिनट में अच्छी तरह करता हूं, देखिए एक साइड, दूसरी साइड, रुकिए सब भाग रहा है, सब भाग रहा है, तीसरी साइड तो आप यहां से जरा देख सकते हैं ना, ये आपका क्यूब मान लीजिए एक मिनट के लिए। अब यदि आप इस क्यूब को है ना, देखिए ऐसे काटेंगे ना, ठीक है, तो ये बॉडी डायगोनल है, राइट सर, ये वाला जो है जो आप यहां पे बनाते हैं, यदि मैं यहां पे बनाऊं तो ये हमारा क्यूब है ना, हाँ बिल्कुल है ना, और ये जो बिल्कुल बीच में से जा रहा है ना, कमरे को आधा आधा काट दे बिल्कुल, नहीं 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 वो ठीक है, ये बेसिकली इस कॉर्नर से लेकर उधर वाले कॉर्नर, उस कॉर्नर, हाँ तो आधा नहीं कटा, इस ऊपर वाले कॉर्नर, हाँ, से ऊपर वाले कॉर्नर से, उस वाले कॉर्नर, उस वाले कॉर्नर नीचे वाले, अच्छा ये बॉडी के अंदर से पास होता हुआ जाएगा, यस, और ये क्यूब को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, बराबर हिस्सों में, हां ठीक है मैंने समझा, दो बार समझ गया, ये फेस डायगोनल है, समझ गया, ये फेस डायगोनल, समझ गया। तो ये गाइस यहां से लेकर ना इधर वाले से लेकर सर ने जो बनाया है और इधर वाले कॉर्नर तक जाना है, तो इसकी लेंथ याद कर लो ना, ए रूट 3 होती है और फेस डायगोनल होता है बस ये फेस तो बस इसका डायगोनल है, हाँ, ये ये जो आपका बना हुआ है दिस इज द फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल है, ये जो सर ने जो काटा हुआ है ये फेस डायगोनल, ये बिल्कुल ये एक फेस है, एक फेस है, हाँ ये जो काटा हुआ है यही फेस डायगोनल, ये सामने जो आप देख रहे हो ये फेस डायगोनल, ये एक्चुअल में इसको अलग अलग कर देते हैं, हाँ सर, तो ये दिस इज द फेस डायगोनल, ये लेंथ जो आएगी ये फेस डायगोनल, हाँ, तो ये आपका फेस डायगोनल बन गया, ठीक है ये लेंथ, ठीक है, और बॉडी डायगोनल होगा जैसे इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर, समझ गया, ठीक है, लेकिन ये काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा, फिर भी तुम लोग याद कर दो, और अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड,
20th question, chemical kinetics per base है, the half-life period of a first order reaction is 10 minutes. The time required for the concentration of the reactant to change from 0.08 m to 0.02 m. देखो बेसिकली क्या है ना, हमेशा वो लॉग वाले फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी भी है ना। तो ये क्वेश्चन में हम दो फॉर्मूले और याद रखो, n इज इक्वल टू, जिसमें लॉग है ही नहीं तो लॉग की वैल्यू ढूंढते रहते हो। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इन दो फॉर्मूलों का साइमल्टेनियसली यूज करना होता है। टोटल टाइम इज इक्वल टू n इनटू t हाफ, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड। n यहां पर क्या चीज है, लेफ्ट अमाउंट, and not is the initial amount. Small n is the number of half-life periods. Or total time, t half is the half-life period. ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है, आसान से ही क्वेश्चन है कि तुम्हें इन फॉर्मूलों का यूज करना समझ में आए। यहां लॉग वगैरह हमें नहीं लेना पड़ता, इससे प्रॉब्लम फटाफट होती है, बिना लॉग के होती। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेफ्ट अमाउंट इज 0.02 और इनिशियल अमाउंट इज 0.08। इससे मैं एन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा और एन को इसमें पुट कर दूंगा, हाफ लाइफ दे रखा है, टोटल टाइम निकल आएगा, काम करना। अब ये एक लाइन में फटाफट हो जाएगा। अब मैंने n को रखा 0.02 इज इक्वल टू 0.08 1 बाई 2 की पावर n, तो दिस इज 4, 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2 की पावर n, और 1 बाई 4 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 की पावर 2, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये देखो ये हो गया ना, कहीं पर लॉग ही नहीं लेना पड़ रहा है, n इक्वल टू 2, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। मुझे टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, n हो गया 2, हाफ लाइफ पीरियड कितना 10 मिनट दे रखा है, बिल्कुल 10 मिनट दे रखा है, आंसर इज 20 मिनट। तो ये पूरा आपका आंसर इज 2। तो बेसिकली गाइस इसमें तीन चैप्टर के तो बहुत थे क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ कम क्वेश्चंस हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को इसमें मैंने कोशिश ये करी है कि हर टाइप का क्वेश्चन इन्वॉल्व होता रहे, है ना। जैसे वांडा फैक्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट में आपको रेडियस, डेंसिटी, है ना, जहां जहां पर गड़बड़ होती है तो वो सारे क्वेश्चन, डिफेक्ट्स, तो ये सारा इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करो और बाकी अपना रिवाइज करो, नया कुछ करना नहीं है, पुरानी चीजों को रिवाइज करो, जितना भी तुमने कहीं से कुछ भी कर रखा है तो इस टाइम उसी पे फोकस करना है, नई चीज पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है। ये भी आपकी एक्चुअल में पढ़ी हुई थी सारी चीजें, तो इसको आपने क्या कर लिया, एक बार गो थ्रू चलेगा। अब इन चार चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं है, इन चार चैप्टर में बस थोड़ा बहुत रिवीजन करके इन चार चैप्टर को अलग कर, इन चार चैप्टर के अब आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए। ठीक है सर। ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने आपको कहा था, आप सब लोग बहुत लकी हैं कि विपिन सर टाइम निकाल के यहाँ पे आ पाए, उन्होंने आपको सारी चीजें समझा दी है। आप में से काफी सारे लोग कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन 19 का एक बार कॉन्सेप्ट वापस समझा दो। इनिशियली 1 मान लिया था, है ना, कुछ अज्यूम कर लेते हैं, जैसे 1m मान लिया तो log 1 इज 0, तो पहले वाले पार्ट में तो E cell 1, जब इसका सोल्यूशन देखोगे तो अपने आप समझ में आएगा E cell 1 इज इक्वल टू, तो E not cell हो गया। अब जब मैंने इसे डाइल्यूट करा 100 टाइम्स
डाइल्यूट 100 टाइम्स करने पर इसकी कंसंट्रेशन 1 m से डिक्रीज करेगी ना, और डिक्रीज करके वो कितनी हो गई, 0.01 हो गई। अब मैंने फिर से लास्ट इक्वेशन लिखी, E cell 2 is equal to E naught cell plus 0.059 upon 2 log. अब मैं 1 की जगह पे क्या रख दिया मैंने, 0.01। अब log 0.01 क्या होता है, माइनस 2 होता है, 10 के बाद माइनस 2 का log क्या होगा, माइनस 2 होगा, माइनस साइन मैंने आगे ले लिया और 2 ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पहले वाले के कंपैरिजन में दूसरा वाला E cell जो है वो डिक्रीज कर गया ना, माइनस में चला गया, तो माइनस कितना चला गया, 0.059 वोल्ट, और ये चीज किसके इक्विवेलेंट हो गई, 59 मिली वोल्ट के, तो 59 मिली वोल्ट डिक्रीज कर गया अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को 100 टाइम्स डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन Cu2+ की डिक्रीज कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन हम लोग Cu+2 की लेंगे, जो कॉपर है ना उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। एक क्वेश्चन है कि इन चार चैप्टर से टिपिकली कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? इन चार चैप्टर से आपको 4 to 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 to 5 क्वेश्चन 100% तो आप ये समझ लीजिए 4 to 5 क्वेश्चन, तो आप ये समझ लीजिए 45 में से 4 to 5 क्वेश्चन इन चार चैप्टर से आएंगे। 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, नॉर्मली आ जाते हैं, और 5 से बढ़कर 7 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 तो आपको मिलेंगे। और इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सारे आ गए, कॉन्सेप्ट आ गए। ठीक है, ठीक है सर। गाइस तो सर को थैंक यू बोल दीजिए, सर ये फिनिश करेंगे, ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा आप लोग के पास यूट्यूब पे अभी 1-2 घंटे के अंदर, तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। पर जैसा सर ने कहा, इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, अपने जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया मत पढ़िए इस टाइम पे, जो भी पढ़ चुके हैं उसको क्विकली रिवाइज कर लीजिए, और इन चार चैप्टर्स को अलग करके रख दीजिए, आगे बढ़ जाइए, टाइम भी बचा एग्जाम के। बिल्कुल बिल्कुल, यही है, यही है। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, चलिए ठीक है गाइस, तो कल विवेक पांडे का होगा 11 बजे से 1 बजे तक, जो 5 चैप्टर रह गए हैं, 3 हीट के, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो ये वाला जो पेपर है आपके वो 3-4 बजे के आसपास मिल जाएगा, और इसका PDF रात को अपलोड हो जाएगा, तो फिर कल 11 बजे वापस मिलेंगे। ठीक है, तो होपफुली फायदा हुआ आप लोग को, मेहनत करते रहिए, परेशान मत होइए, और जो मैंने आपको एक चीज बताई है, यदि कभी भी परेशान हो रहे हैं तो जो चैप्टर आपको आसान लगता है, फिजिक्स में परेशान हो रहे हैं और आपको आसान चैप्टर बायो में लगता है, बायो का वो चैप्टर क्विकली 1 घंटे के लिए पढ़ लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप वापस आगे बढ़ सकते हैं अपने मुश्किल चैप्टर के साथ। ठीक है गाइस, तो वेरी नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू अगेन ऑन दिस वेडनेसडे मॉर्निंग, बुधवार की सुबह सुबह हमने पढ़ाई की, अब हम बृहस्पतिवार की सुबह मिलेंगे 11 बजे। बाय बाय।